1870 यह है, यह है, हकलाया स्थिति के बारे में सोचते हुए उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि अगर वे गिरफ्तार हो गए तो व्यापारी उनकी मदद कर सकता है आप अभी भी उस व्यक्ति की रक्षा क्यों करते हैं क्या आप उम्मीद करते हैं की वह आपको बचा लेगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं सीधे तुम्हें मार सकता हूँ किसी को भी आपकी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिलेगा काव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा उसी समय उसके हाथ में मौजूद खंजर ने उस आदमी की गर्दन काट दी जिससे गर्म खून बहने के साथ ही उस आदमी को दर्द महसूस हुआ कृपया कृपया मैं आपको बताऊंगा मैं तुम्हें बताता हूँ उस आदमी ने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना मुंह खोला यह क्यों लिनन है लिनन कंजियाओं और के पिता थे क्या आपके पास कोई सबूत है काव्या ने पूछा मेरे पास कॉल और ट्रांसफर रिकॉर्ड है आदमी ने कहा बहुत बढ़िया मुझे उसका फोन नंबर और बैंक कार्ड नंबर बताओ काव्या ने कहा इसके बाद उस व्यक्ति ने वह फोन नंबर पढ़ा जिसका इस्तेमाल क्यूलिनन ने उससे संपर्क करने के लिए किया था और उसका बैंक कार्ड नंबर भी पढ़ा एक बार सुनकर काव्या को उनकी याद आ गई उसके बाद काव्या ने अपना फोन निकाला और के को भेजा उसने उसे उस नंबर के आधे साल पहले के रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए कहा उसने तुम्हें और क्या करने को कहा काव्या ने पूछा उन्होंने हमें उनके लिए कई अन्य चीज़ें करने का आदेश दिया उस आदमी ने कहा तीन महीने पहले क्यू लिनन को नी एजिंग नाम की एक बीलिस्ट अभिनेत्री पसंद थी उसने हमें उसे पकड़ने के लिए कहा ताकि वह उसका बलात्कार कर सके लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया इसलिए क्यू लिनन ने गलती से उसकी हत्या कर दी उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया था यह सुनकर काव्या ने मुंह सिकोड़ लिया हालांकि वह जानती थी कि हर दिन अनुचित चीजें हो रही थी और उसे बहुत अधिक सहानुभूति नहीं थी फिर भी जब उसने यह सुना तो उसे असहज महसूस हुआ मुझे सही तारीख और जगह बताओ काव्या ने कहा दो जुलाई ठीक इसी विला में आदमी ने कहा यह विला उनका नहीं बल्कि क्यूँ लिनन का था क्योंकि उन्होंने क्यूँ लिनन के लिए बुरे काम किए क्यूँ लिनन ने उन्हें यहां रहने दिया उत्तर के साथ काव्या नेके को एक और संदेश भेजा और उससे कहा कि वह दो जुलाई को इस विला के आसपास हुए अपराध की जांच करे जो प्रश्न उसे पूछने थे उन्हें पूछने के बाद काव्या लिविंग रूम बाहर चली गई जब वे उसे नहीं देख सके तो उसने उन्हें बांधने के लिए रस्सियां निकाली उसके बाद वह एक तरफ़ चली गई और टेलीपैथिक आई स्पेस से एक लैपटॉप निकाला उसने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को लैपटॉप में ले जाया और फिर उसे यूएसबी फ्लैश डिस्क में कॉपी कर लिया लिविंग रूम वापस जाने और कॉफ़ी टेबल पर यूएसबी फ्लैश डिस्क रखने से पहले उसने लैपटॉप को वापस टेलीपैथिक आई स्पेस में रख दिया बाद में काव्या ने पुलिस को कॉल करने के लिए उनके फ़ोन का इस्तेमाल किया काव्या को यकीन नहीं था कि पुलिस क्यों पकड़ने जाएगी या नहीं आखिरकार क्यू लिनन राजधानी में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे वैसे भी उसे देखना था कि पुलिस क्या करेगी पुलिस को बुलाने के बाद काव्या ने अपने पावर क्रिस्टल उनमें से प्रत्येक को एक लेने में मदद की वे अभी भी उनके लिए उपयोगी थे इसलिए वे ठीक होंगे शुरुआत में उन्हें लगा कि यह जहर है लेकिन जल्द ही उनके कठोर अंग शिथिल हो गए हालांकि भले ही उनकी मांसपेशियां शिथिल हो गई फिर भी वे हिल नहीं सके क्योंकि काव्या ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया था काव्या ने उन्हें चेतावनी भी दी अभी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आपने मुझे जो कुछ भी बताया है उससे इनकार करने की कोशिश मत करो मैं पूरे समय तुम पर ध्यान दूंगा एक बार जब आप इससे इनकार कर देंगे तो आपको केवल मार दिया जाएगा भले ही आपको रिहा कर दिया जाए निश्चित रूप से वे लोग तुरंत सहमत हो गए हालांकि उनके मन में यह विचार था लेकिन काव्या की बातें सुनने के बाद उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की काव्या अपने अंगों को जमा सकती थी और बाद में उन्हें ढीला कर सकती थी जिससे साबित होता था कि वह एक डरावनी महिला थी उसके बाद काव्या चली गई हालांकि वह विला से लगभग दस मीटर ही बाहर निकली थी तभी उसे लगा कि दो किसान उनसे ज्यादा दूर नहीं है इसके अलावा वे तेजी से उसके पास आ रहे थे काव्या के पास यह देखने का समय नहीं था कि वे कौन थे और उसे डर था कि वे विला में आ सकते हैं जिससे उसकी योजना बर्बाद हो सकती है इसलिए वह उन्हें आकर्षित करने के लिए जादुई शक्ति छोड़ते हुए दूसरी दिशा की ओर भागी बिना किसी आश्चर्य के काव्या को लगा कि दोनों किसान तुरंत उसके पीछे पड़ गए काव्या एक अंधेरी जगह की ओर भागी फिर अपना कोट टोपी और मुखौटा उतारकर टेलीपैथिक नेत्र क्षेत्र में फेंक दिया थोड़ी देर बाद उसने जादुई शक्ति छोड़ना बंद कर दिया और ब्लॉक के बाहर सड़क के किनारे भाग गई उसके बाद वह रात में दौड़ने का बहाना करते हुए वापस उसी दिशा में भाग गई जहां से वह अभी आई थी कुछ ही सेकंड में काव्या सड़क पर दो किसानों से टकरा गई वे लगभग चालीस वर्ष के युगल प्रतीत हो रहे थे उनकी हवा को देखते हुए काव्या ने फैसला किया कि उनका स्तर ऊंचा नहीं था चूंकि इस समय काव्या के शरीर पर कोई जादुई शक्ति नहीं थी और रात में और भी कई लोग दौड़ रहे थे इसलिए दोनों कृषकों को नहीं लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है हमने इसे खो दिया मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा जादुई प्राणी है यह ऐसी शुद्ध जादुई शक्ति का मालिक है आदमी ने अप्रसन्नता से कहा उनके लिए ऐसी शुद्ध जादुई शक्ति पाना आसान नहीं था लेकिन वह अचानक गायब हो गई काव्या द्वारा पुलिस को कॉल करने के पांच मिनट बाद पुलिस विला में पहुंची आज रात हाईचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की पांचवी टीम के एक पुलिस अधिकारी कैप्टन जो रेन्यू ने छह पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में छह संदिग्धों को ले लिया जिन्हें काव्या ने बांध दिया था साथ ही कॉफी टेबल पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी ले ली जब काव्या ने पुलिस को फोन किया तो उसने कहा कि उसने कॉफी टेबल पर संदिग्धों के कबूलनामे के साथ यूएसबी फ्लैश ड्राइव रखी थी इसलिए उन्हें पता था कि यह क्या था पुलिस स्टेशन लौटने के बाद जो रेन्यू ने यूएसबी फ्लैश ड्राइव में संग्रहित वीडियो चलाया वे सभी आश्चर्यचकित थे कि यह महिला कौन थी लेकिन उन्होंने केवल उसकी आवाज़ सुनी और उसे नहीं देख सके इसके अलावा वे इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उसे कैसे पता चला कि ये लोग लोकफू योंगलियाम के परिवार के हत्यारे थे दरअसल छह संदिग्धों ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है इसलिए यह सच होना चाहिए हालांकि जब झों रेन्यू ने सुना कि क्यू लिनन पर्दे के पीछे था तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और उनमें मिश्रित भावनाएं थी दुर्भाग्य से काव्या के लिए झों रेन्यू जो इस बार आया था क्यू लिनन का रिश्तेदार था फिलहाल इसके बारे में किसी को मत बताना क्या तुम समझ रहे हो जो रेन्यू ने तुरंत अपनी टीम के पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी जो रेन्यू ने कभी नहीं सोचा था कि क्विलीनन इतना क्रूर काम करेगा लेकिन वे आखिरकार रिश्तेदार थे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह क्विलीन पर भरोसा करके आज अपनी स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था इसलिए उसे क्विलीनन से इस बारे में बात करनी थी कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए कैप्टन अगर किसी और को पता चल गया तो हम इसे गुप्त नहीं रख पाएंगे इससे हमारे लिए भी परेशानी होगी एक पुलिसकर्मी ने कहा वह जानता था कि झो रेन्यू और क्यू लिनन संबंधित थे इसलिए झो रेन्यू क्यू लिनन की रक्षा करना चाहता था लेकिन उसे लगा कि यह एक अच्छा विचार नहीं था सही है कप्तान क्योंकि उस महिला ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है इसलिए यह अभी भी उसके हाथ में होगा यदि आप इसे गुप्त रखेंगे तो वह निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश कर देगी फिर दूसरे पुलिसकर्मी ने बड़ी चिंता से कहा ठीक है मैं समझ गया कि आपने क्या कहा मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम इसे फिलहाल गुप्त रख सकते हैं और उन लोगों की स्वीकारोक्ति सच नहीं हो सकती है मैं पहले इसकी जांच करूंगा और कल कर से पहले इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा जो रेन्यू ने कहा क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा दूसरों को सहमत होना पड़ा उन्हें उम्मीद थी कि जो रेन्यू वास्तव में इसे अच्छी तरह से संभाल सकता है ताकि वे इसके कारण मुसीबत में न फंसे उसके बाद जो रेन्यू ने तुरंत को लिनन को बुलाया इस समय रात के ग्यारह बज चुके थे क्यू लिनन ने अभी अभी स्नान किया था और बिस्तर पर जाने ही वाला था लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा कॉल करने वाले का नाम देखकर क्यू लिनन की भौहें चढ़ गई उसे नहीं पता था कि झो रेन्यू ने उसे इतनी देर से क्यों बुलाया लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया अंकल क्यू मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है छह संदिग्ध पकड़े गए और वे आधे साल पहले फू योंगलियाम के परिवार के हत्यारे निकले उन्होंने कहा कि यह आपका आदेश था झो रेन्यू ने कहा क्या यह सुनते ही क्यों लिनन घबरा गए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई यह पता लगा सका कि फू योंगलियांग के परिवार के हत्यारे कौन थे क्या उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया क्यों लिनन से पूछा जिसका मतलब था कि उसने स्वीकार किया कि यह उसका आदेश था यदि यह वह नहीं होता तो वह यह प्रश्न नहीं पूछता इसके बजाय वह गुस्से में इससे इनकार कर देगा मैंने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें फोन किया था उसने पूछताछ की थी उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और हमारे लिए एक यूएसबी फ्लैश डिस्क छोड़ी जो रेन्यू ने कहा क्यों लिनन ने घबराते हुए पूछा वीडियो किसने देखा है मेरी टीम के सदस्य लेकिन मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी है कि वे किसी और को न बताएं हालांकि मुझे डर है कि जिस व्यक्ति ने हमें कॉल किया था उसके पास वीडियो की एक प्रति हो सकती है क्योंकि उसने इसे रिकॉर्ड किया था इसे बहुत लंबे समय तक गुप्त नहीं रखा जा सकता है इसलिए मुझे आपको अभी बताना होगा जो रेन्यू ने कहा जाओ उनसे पूछताछ करो उन्हें धमकी दो कि वे यह न बताएं कि मैं मास्टर माइंड हूँ यदि वे ऐसा करने का साहस करेंगे तो उनके साथ उनके परिवार भी मर जाएंगे जहां तक वीडियो की बात है आप उनसे यह कहलवा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा उस व्यक्ति की धमकी के तहत कहा था क्यों लिनन ने बुरी दृष्टि से कहा जरूर जो रेम्यू ने कहा और को लिनन के आदेश के अनुसार सब कुछ किया हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि के फ़ोन पर उनकी बातचीत सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है चूंकि छह संदिग्धों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जल्द ही रिहा कर दिया गया था काव्या को लगा कि क्यों परिवार के पुलिस स्टेशन में संबंध थे परिणामस्वरूप जब काव्याकार में लौटी तो उसने के को फोन किया और उससे पूछा कि क्या वह क्यों लिनन की कॉल की सामग्री को सुन सकता है बिना किसी आश्चर्य के के ने जल्द ही महत्वपूर्ण बातचीत सुनी जो रेन्यू ने छह संदिग्धों को धमकी दी हालांकि वे काव्या से डरते थे क्यों लिनन ने आखिरकार उनके परिवारों को मारने की धमकी दी उन्हें समझौता करना पड़ा उन्होंने कहा कि यह वह महिला थी जिसने उन्हें धमकी दी थी और उनसे यह कहा था कि पर्दे के पीछे क्यों लिनन ही थी काव्या को यह नहीं पता था लेकिन उसने पहले ही के से झो रेन्यू और क्यू लिनन के कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कहा था के को क्यू लिनन और संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड और ट्रांसफर रिकॉर्ड भी मिले यह सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि क्यू लिनन दोषी था इसलिए काव्या बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी भले ही उन संदिग्धों ने अपने कबूलनामे से इनकार कर दिया था हालांकि काव्या के पास पहले से ही सबूत थे लेकिन उसने भविष्य की स्थिति के अनुसार अपने अगले कदम का निर्णय लेने के लिए इंतजार करने का फैसला किया काव्या विला से जाने के बाद वापस स्कूल नहीं गई क्योंकि रात के ग्यारह बज चुके थे और स्कूल का गेट बंद था अंदर जाना मुश्किल होगा इसलिए काव्या वापस नहीं गई और एक रात के लिए सीधे शेंशी होटल चली गई वह कल सुबह स्कूल वापस जाएगी उस रात क्यू लिनन अनिद्रा से पीड़ित हो गया हालांकि उसने झो रेन्यू को जो करने का आदेश दिया था वह पहले ही हो चुका था फिर भी इस समस्या के पूरी तरह से हल होने से पहले वह चिंतित था अगले दिन के लिली स्कूल आई वह न केवल चूपेहान के साथ एक ही छात्रावास के कमरे में थी बल्कि एक ही कक्षा में भी थी जब वह कक्षा में आई और चू पेहान को देखा तो वह उसे देखकर उत्तेजक ढंग से मुस्कुराई उसके पिता ने उससे वादा किया था कि वह आज सुबह चूपेहान की पिटाई के बारे में अकादमिक मामलों के कार्यालय के डीन से बात करेंगे भले ही चूपेहान को निष्कासित नहीं किया जाएगा लेकिन उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और पूरे स्कूल को पता चल जाएगा उस स्थिति में चूपेहान को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा के, लिली के उकसावे का सामना करते हुए चू पेहान ने उसे तिरस्कार की मुस्कान दी वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी और के लिली उसे धमका नहीं सकती थी सुबह करीब नौ बजे के योकियांग ने फिल्म अकादमी के अकादमिक मामलों के कार्यालय के डीन को फ़ोन किया और इस बारे में बात की उन्होंने जानबूझकर इस तथ्य को छोड़ दिया कि के लिली और श्रीमती के ने पहले चू पेहान को परेशान किया था इसलिए अकादमिक मामलों के कार्यालय के डीन यह सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गए इसके बाद उन्होंने तुरंत चू पेहान के मुख्य शिक्षक को चू पेहान को शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में ले जाने के लिए सूचित किया कक्षाओं के बीच ब्रेक के दौरान मुख्य शिक्षक अप्रसन्न चेहरे के साथ कक्षा में आए और चू पेहान और के लिली को बुलाया के लिली ने चू पेहान पर गर्व की नजर डाली जबकि चू पेहान शांति से खड़ा रहा वे बाद में एक साथ बाहर चले गए यह देखकर कि चू पेहान बिल्कुल भी नहीं डर रहा था के लिली असंतुष्ट थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे विश्वास था कि चू पेहान को बाद में दंडित किया जाएगा उनके बाहर जाने के बाद कक्षा के बाकी छात्र इस पर चर्चा करने लगे वे जानते थे कि उनके प्रधान शिक्षक के अप्रसन्न चेहरे को देखते हुए कुछ भयानक घटित होने वाला था हालांकि उन्हें इसका कारण नहीं पता था चूपेहान और के लिली के बाहर चले जाने के बाद मुख्य शिक्षक उन्हें अकादमिक मामलों के कार्यालय में ले गए रास्ते भर वह नाराजगी भरी चुप्पी साधे रहा मुख्य शिक्षक चूपेहान और के लिली को शैक्षणिक मामलों के कार्यालय के कार्यालय में ले आए अंदर चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी था जो एक विश्वासघाती मतलबी व्यक्ति जैसा लग रहा था डीन चू पेहान और के लिली यहाँ है मुख्य शिक्षक ने कहा अकादमिक मामलों के कार्यालय के डीन के लिली को जानते थे इसलिए वह अजीब लड़की चू पेहान ही होगी डीन ने चू पेहान को गंभीर चेहरे से देखा और उससे सवाल किया चू पेहान क्या तुमने छात्रावास के कमरे में केलिली पर हमला किया था और कल एक होटल में केलिली की माँ को भी जमीन पर धकेल दिया था हाँ लेकिन चुपेहान ने इसे तत्परता से स्वीकार किया लेकिन वह इसे समझाना भी चाहती थी फिर भी इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती दीन ने उसे टोक दिया चूंकि आपने इसे स्वीकार कर लिया है इसलिए आपको स्कूल से सजा मिलनी चाहिए क्या आपको लगता है कि स्कूल आपका परिवार है और आप कुछ भी कर सकते हैं चुपेहान नाराज था हालांकि वह जानती थी कि दीन के यौक्याम जितना ही बुरा था वह अभी इसका सामना करने से नाखुश थी अत उसका स्वर भी निर्दय हो गया दीन मैंने ऐसा किसी कारण से किया क्या आप मुझे इसे समझाने नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो आप लोगों को हरा नहीं सकते डीन ने कहा यह सुनकर के लिली ने संतुष्ट मुस्कान के साथ चुपेहान की ओर देखा चुपेहान आइए देखें कि इस बार आप क्या कर सकते हैं दंडित होने की प्रतीक्षा करें चुपेहान पागल था ठंडी आवाज में बहस कर रहा था डीन क्या आप बिना कोई प्रतिकार के अन्य लोगों द्वारा पीते जाने पर खड़े रहेंगे हास्यास्पद डीन ने चूपिहान पर तंज कसा यदि कोई उसे पीटने का साहस करता है तो उसके लिए बिना प्रतिकार किए पिटे हुए खड़ा रहना असंभव था अन्यथा वह एक बेवकूफ बेवकूफ होता इसके अलावा जो भी उस पर हमला करने की हिम्मत करता था वह उस व्यक्ति को पछताने पर मजबूर कर देता था चुपेहान का सवाल सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने के लिली और के लिली की मां पर हमला क्यों किया लेकिन के यौकियांग के साथ उसके अच्छे संबंध थे यदि के यौकियांग चुपेहान को सबक सिखाना चाहते थे तो उन्हें मददगार बनना होगा प्रधानाध्यापक को भी शर्मिंदगी महसूस हुई उन्होंने सच्चाई का भी पता लगा लिया उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चू पेहान एक उपद्रवी थी लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा दीन कृपया चू पेहान को इसे समझाने दें चाहे कुछ भी हो हमें पूरी कहानी सीखने की जरूरत है प्रधान शिक्षक ने कहा श्री लिन बस इसे मुझ पर छोड़ दो चू पेहान के हिंसक व्यवहार के कारण उसे दंडित किया जाना चाहिए और इसकी घोषणा पूरे स्कूल में की जाएगी दीन ने कहा जाहिर है सच्चाई जो भी हो चू पेहान को दोष लेना ही होगा मुख्य अध्यापक की भौहें तन गई यह वास्तव में कोई आश्चर्यजनक निर्णय नहीं था क्योंकि के लिली का एक शक्तिशाली परिवार था उन्हें यह पसंद नहीं था जब सत्ता के लोग कमजोरों को धमकाते थे लेकिन वह केवल एक साधारण कॉलेज शिक्षक थे जो सत्ता से डरते थे डीन क्या आप निश्चित हैं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं यदि हाँ तो मैं केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ही लड़ सकता हूँ शेंशी होटल के हॉल में के लिली की माँ के साथ मेरी झड़प हुई निगरानी कैमरे हैं निगरानी वीडियो जारी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी चूपेहान ने कहा यह सुनकर दीन और के लिए दोनों डर गए लेकिन अगले ही पल इसे गंभीरता से नहीं लिया क्या आपको लगता है कि आपका परिवार शेंशी होटल का मालिक है क्या आप अपनी इच्छानुसार निगरानी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं केलिली ने तिरस्कार के साथ कहा उनके पिता शेंशी होटल के वीआईपी सदस्य थे और होटल प्रबंधक उनके पिता का पक्ष लेते थे निस्संदेह दीन की भी यही राय थी मेरे परिवार के पास शेंशी होटल नहीं है लेकिन मेरे दोस्त के पास इसका ब्लैक कार्ड है तुमने उसे कल देखा था क्या आपको लगता है कि शेंगशी होटल मुझ पर थोड़ा एहसान करेगा और मुझे निगरानी वीडियो देगा चुपेहान ने व्यंगात्मक लहजे में कहा वह अपने संबंधों के आधार पर अन्य लोगों को धमकाने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन उसे धमकाने वालों से भी नफरत थी यदि वह अभी अपने संपर्कों में स्वयं की मदद नहीं करती तो वह मूर्ख होती क्या ऐसा कैसे हो सकता है यह जानकर दीन और के लिली दोनों ने बड़े सदमे से अपनी आंखें गोल कर ली चू पेहान के दोस्त के पास शेंशी होटल का ब्लैक कार्ड था इसलिए उसका दोस्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए यदि ऐसा है तो डीन के लिए निर्णय लेना कठिन होगा चू पेहान तुम झूठ बोल रहे होगे आप तीसरी श्रेणी के शहर से हैं यह कैसे संभव है कि आप एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जान सके के लिली चू पेहान की बातों को स्वीकार नहीं कर सकी इसलिए उसने माना कि यह झूठ था चू पेहान ने कि लिली को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो आप अकेले नहीं हैं जिसके रिश्तेदार या दोस्त ताकतवर हैं क्या आपको लगता है कि आपका परिवार इस देश का सबसे शक्तिशाली परिवार है मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो सत्ता के बल पर दूसरे लोगों को धमकाते हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसे न्याय के साथ हल किया जा सकता है दुर्भाग्य से वह विचार बहुत भोला है यदि हाँ तो मैं अपने कनेक्शनों में स्वयं की सहायता क्यों नहीं कर सकता की लिली तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं करोगी यह सच है कि मैंने तुम्हें पीटा है लेकिन पहले तुमने मुझे परेशान किया मैं बस जवाबी कार्रवाई कर रहा था आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि मैं अभी एक फिल्म अकादमी में पढ़ रहा हूँ मैं मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने जा रहा हूँ इसलिए मैं कोई भयानक इतिहास नहीं रखना चाहता अन्यथा मुझे इतनी बार परेशान करने के बाद आप गंभीर रूप से घायल हो सकते थे आप के लीली पागल हो गई थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या कहे चुपेहान के शब्दों ने उसे सचमुच डरा दिया डीन यदि आप इसे न्याय के साथ नहीं संभाल सकते तो मुझे इसे सनसनी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी मैं परिणाम से नहीं डरता क्योंकि इसे निपटाने में मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कनेक्शन है चुपेहान ने डीन की ओर देखते हुए कहा वह बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे धमकी भी दे रही थी चुपेहान की मुख्य अध्यापिका को आशा थी कि उन्हें उचित परिणाम मिल सकेगा लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बड़ी शक्ति की जीत होगी यह तब तक ठीक रहेगा जब तक किसी के साथ अन्याय न हो आप धमकी मिलने पर दीन बेहद नाराज हुए लेकिन वह चू पेहान के शब्दों से भी डर गए हालांकि उन्हें संदेह था कि क्या चू पेहान की बातें सच थी लेकिन आखिरकार यह सच हो सकता है अगर यह सच होता तो वह आज चू पेहान को दंडित करके खुद को परेशानी में डाल लेता इसके अलावा यह सिर्फ चू पेहान की गलती नहीं थी दीन ने कुछ देर सोचा और माना कि वह तुरंत निर्णय नहीं ले सकता ठीक है अब कक्षा में वापस जाऊं दीन ने कहा उन्होंने केवल उन्हें कक्षा में वापस जाने के लिए कहा लेकिन समस्या के बारे में और कुछ नहीं कहा वास्तव में भले ही दीन ने फिर भी चुपेहान को दंडित करने की कोशिश की चुपेहान को इसकी परवाह नहीं होगी उसने नहीं सोचा था कि वह उसे चोट पहुंचाने में सक्षम था दरअसल स्थिति को देखते हुए दीन अंत में इसे छोड़ देंगे दीन के लिली को दीन जितनी चिंताएं नहीं थी यह देखकर कि दीन हार मानने वाला था वह वा एक पल में चिंतित हो गई ठीक है अब बाहर निकलो डीन ने परेशान होकर अधीरता से कहा अनिच्छा से के लिली ने अपना मुंह बंद कर लिया चूपेहान ने के लिली को होठों पर मजाक की मुस्कान के साथ देखा जिससे के लिली क्रोधित हो गई एक बार जब चू पेहान और अन्य लोग चले गए तो डीन ने के यौकियांग को बुलाया और उसे सब कुछ बताया कि योन्कियांग असंतुष्ट थे लेकिन वह डीन को उनकी मदद करने के लिए मजबूर नहीं कर सके उसे यह भी चिंता थी कि चू पेहान उससे अधिक प्रभावशाली हो सकता है इससे उसे परेशानी भी हो सकती है जो कि वह नहीं देखना चाहता था चूपेहान और के लिली के कक्षा में वापस जाने के बाद कई छात्रों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछते रहे कि मुख्य शिक्षक ने उन्हें बाहर जाने के लिए क्यों कहा आधे महीने साथ पढ़ने के बाद सभी को चूपेहान और के लिली के बीच संघर्ष के बारे में पता था इसलिए मुख्य शिक्षक को पता होना चाहिए कि जब उन्होंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो उनके बीच कुछ गंभीर बात हुई थी हालांकि कई लोगों को के लिली का किरदार नापसंद था उनके पिता पेगास एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष थे इसलिए कई छात्रों ने चुने जाने की उम्मीद में उनसे समर्थन पाने की कोशिश की इस समय मनोरंजन उद्योग में एक स्थान पाना बहुत कठिन था इसलिए बिना कनेक्शन के नौकरी पाना बहुत कठिन था जिस कारण से उनके मुख्य शिक्षक ने चू पेहान और के लिली को बाहर जाने के लिए कहा चू पेहान और के लिली दोनों ने कहा कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था इसलिए उन्होंने इसके बारे में पूछना बंद कर दिया दरअसल भले ही उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा हो वे जानते थे कि यह उनके संघर्ष के कारण होगा इसके बाद चू पेहान ने अपने दोस्तों के साथ समाचार साझा करते हुए अपने विचैट समूह में एक संदेश भेजा उसके सभी दोस्त इस बात से सहमत थे कि डीन केवल एक दम्भी व्यक्ति था जो केवल अधिक शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेता था जो रेन्यू ने पिछली रात के मामले की सूचना उस सुबह अपने नेता को दी और नेता को काव्या द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो और संदिग्धों से पूछताछ की रिपोर्ट दिखाई जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या इस अपराध का कुलिनन से कोई लेना देना है कुछ का मानना था कि कुलिनन ने इसमें कोई भूमिका निभाई थी जबकि कुछ का मानना था कि किसी ने कुलिनन को फंसाया था चाहे कुछ भी हो चूंकि संदिग्धों ने अंतः कहा कि इसका क्यों लिनन से कोई लेना देना नहीं है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाएगी वैसे भी अपराधी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे इसलिए वे मामले को सुलझा सकते थे अत पुलिस ने उन अपराधियों को सजा के लिए न्यायालय को सौंप दिया हालांकि अंतिम नतीजा आने में अभी वक्त लगेगा दोपहर को जब उनकी क्लास खुम हुई तो काव्या अकेली कैंटीन में चली गई क्योंकि वह सोम म्याओगे और बेली जोंगक्सू से अलग विभाग में पढ़ती थी उनकी कक्षाएं अलग अलग शिक्षण भवनों में थी और वे केवल कैंटीन में एक साथ भोजन कर सकते थे अप्रत्याशित रूप से काव्या की मुलाकात शिक्षण भवन के नीचे क्व हंजियाओं से हुई क्योंकि वह भी अर्थशास्त्र विभाग की छात्रा थी क्यों हंजियाओं को काव्या को देखकर अप्रसन्नता हुई लेकिन अपने बड़े भाई के उपदेश के बारे में सोचकर उसने काव्या के साथ और अधिक संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की जब काव्या ने एक को देखा तो उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से एक नकली मुस्कान दिखाई जिससे एक काफ़ी असहज और घबरा गई उसने मूल रूप से नहीं सोचा था कि काव्या को पता था कि कल जो कुछ हुआ था उसका उससे कुछ लेना देना था लेकिन अब उसे किसी तरह महसूस हुआ कि काव्या को इसके बारे में पता था उसके बड़े भाई ने उसे बताया था कि काव्या बहुत प्रभावशाली थी इसलिए क्यों हंजियाओ चिंतित था कि काव्या को पता चला कि कल जो कुछ हुआ था उसमें उसने भूमिका निभाई थी और वह उसे वापस भुगतान करना चाहता था यह सोचते हुए वंजियाओं तुरंत चलने लगा फिर काव्या तेजी से उसके पास गई और धीरे से बोली अगर तुम नहीं चाहते कि किसी को पता चले तो ऐसा कभी मत करो वहांजियाओं तुमने जो किया है उसका भुगतान तुम्हें एक दिन करना पड़ेगा वह दिन जल्द ही आएगा यह सुनकर क्यों हंजियाओं डर गया और असहज महसूस करते हुए एक सेकंड के लिए रुक गया काव्या की बातों से पता चला कि वह जानती थी कि कल जो कुछ हुआ उससे क्यों हंजियाओं का कुछ लेना देना है बाद में काव्या सीधे कुहंजियाओं के पास चली गई और उसे पीछे छोड़ दिया काव्या को दूर जाते हुए देखकर क्यों हंजियाओं को धमकी मिलने पर गुस्सा आया लेकिन साथ ही वह डरी हुई भी थी हालांकि क्या काव्या ने वास्तव में उसे वापस भुगतान करने की हिम्मत की उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया क्यों हंजियाओं को विश्वास नहीं था कि काव्या सच में उसके साथ कुछ करेगी लेकिन वह चिंतित भी थी इसलिए जब को हंजियाओं कैंटीन में गई और युआन शुयान और जी किंगकिंग के साथ भोजन किया तो उसकी भूख कम हो गई और उसे भोजन का बिल्कुल भी आनंद नहीं आया ज्याओ ज्याओ क्या गलत है क्या कल जो हुआ उसके कारण आपका मूड अभी भी खराब है जी क्विंकिंग ने चिंता के साथ पूछा ठीक है क्यों हंजियाओं ने आह भरी फिर उन्हें बताया कि वह अभी अभी काव्या से मिली थी इसलिए वह चिंतित थी यह सुनकर युआन शुयान और जी क्विंकिंग दोनों भौहें चढ़ गई जी क्विंकिंग ने कहा क्या आपका मतलब यह है कि काव्या को पता चला है कि कल जो हुआ उसमें आपने भूमिका निभाई थी जाहिर तौर पर वह जानती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी प्रभावशाली है वह परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती युआन शुयान ने कहा कुल मिलाकर युआन शुयान को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बहुत अधिक भरोसा था उनमें यह भावना किसी कारण से थी क्योंकि आम लोग वास्तव में सत्ता के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे फिर भी काव्या कोई साधारण इंसान नहीं थी इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी ऐसा ही हो क्यों हंजियाओं का भी यही विचार था लेकिन वह चिंतित होने से नहीं रह सकी क्योंकि काव्या ने उसे आमने सामने कहा कि उसने जो किया है उसका भुगतान वह एक दिन करेगी और वह दिन जल्द ही आएगा अचानक क्यों हंजियाओं ने काव्या को उनसे कुछ ही दूरी पर बैठे देखा और वह तुरंत नाराज़ हो गई क्या गलत युआन शुयान और जी क्विंकिंग दोनों ने उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव को देखा और उसकी दृष्टि की दिशा में देखा अगले ही पल उन्होंने काव्या को भी देखा और युआन शुयान भी दुखी हो गया जी क्विंकिंग ठीक थी क्योंकि युआन शुयान और क्व हंजियाओ काव्या को नापसंद करते थे जबकि काव्या के साथ उनका कोई विवाद नहीं था इसलिए जब उसने काव्या को देखा तो वह शांत रही ठीक है दुश्मन हमेशा एक दूसरे के रास्ते में आते हैं जी क्विंकिंग ने बुदबुदाया चूंकि वे काव्या को देखकर नाराज थे इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी नजर उस पर से हटा ली दुर्भाग्य से ठीक इसी समय उन्होंने रोम जेचिन को अन्य तीन छात्रों के साथ काव्या की ओर चलते देखा युआन शुयान और उसके दोस्तों ने जब काव्या को देखा तो रोम जेचिन के चेहरे पर स्पष्ट खुशी देखी एक पल में युआन शुयान और भी अधिक अप्रसन्न हो गई और उसने अपने हाथों को अपनी चौपस्टिक के चारों ओर कस लिया सीनियर रोम काव्या के पास चल रहा है क्यों हंजियाओं ने झुंझलाहट में कहा जैसे कि वह युआन शुयान के लिए बहस कर रही थी लेकिन वास्तव में उसे झुंझलाहट भी महसूस हुई रोम जेचेन और अन्य तीन छात्र काव्या की मेज पर गए और उत्साह के साथ उसका स्वागत किया क्या संयोग है काव्या क्योंकि रोमजेचेन काव्या को देखने के लिए उत्साहित थे उन्होंने सोम मियाओगे और बेली जोंगक्सु को भी नज़रअंदाज कर दिया सौभाग्य से उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई चूंकि उसने उन्हें नमस्ते नहीं कहा इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा हाय सीनियर रोम काव्या ने शांत रहते हुए कहा फिर खाना जारी रखा रोम जेचेन को यह गलत नहीं लगा लेकिन उसके दोस्त काव्या के रवैये से असंतुष्ट थे वे जानते थे कि काव्या अमीर और उत्कृष्ट थी लेकिन उसकी तुलना रोम जेचेन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी उसने रोम जेचिन के प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की इसलिए काव्या का रवैया नापसंद करने वाले एक लड़के ने अपना मुंह खोला और असंतोष से कहा काव्या क्या तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से बेहतर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ उपलब्धियां हैं जेचिन ने बस आपका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया अपना ठंडा रवैया देखो चानक सुन अपने शब्दों पर ध्यान दो जेचिन ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा यदि काव्या पागल थी तो उसने तुरंत समझाया काव्या मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त का ये मतलब नहीं है तुम्हें पता है कि उसने जानबूझकर ऐसा कहा था काव्या अप्रसन्न थी उसने रोंग जेचिन फिर वेई चुनक सुन पर एक ठंडी नजर डाली मेरी उपलब्धियां और मेरा दृष्टिकोण मेरा अपना व्यवसाय है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है आप कौन है उसने उससे पूछताछ की काव्या वे चुनक सुन का मतलब अच्छी तरह समझ गई उसने बस यह सोचा कि रोंग जेचिन का एक शक्तिशाली परिवार था जबकि वह कोई नहीं थी वास्तव में जो बच्चे शक्तिशाली परिवारों में पैदा हुए थे वे वास्तव में मानते थे कि वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट हैं जिन्होंने सब कुछ अपने दम पर अर्जित किया है इस व्यावहारिक समाज के लिए शक्तिशाली परिवारों के लोगों को वास्तव में अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त था और उन्होंने आसानी से अनगिनत लोगों का सम्मान और प्रशंसा भी जीत ली हालांकि काव्या एक अपवाद थी आप वे चौनक सुन पागल थे और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि काव्या बहुत घमंडी थी हालांकि वह काव्या की ठंडी नजर के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सका हालांकि उसे काव्या का घमंड नापसंद था फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसमें शक्ति की भावना थी काव्या मुझे क्षमा करे मुझे सचमुच आशा है कि तुम इसे गंभीरता से नहीं लोगी रोम जेचिन ने काव्या से फिर माफी मांगी जेचिन आप वे चौनक सुन को रोम जेचिन को काव्या से उसके लिए माफी मांगते देखकर काफी असहज महसूस हुआ उन्हें लगा कि रोम जेचिन को अपनी सामाजिक स्थिति को देखते हुए काव्या से माफी नहीं मांगनी चाहिए वास्तव में अगर उसने काव्या से ऐसा नहीं कहा होता तो जेचे ने काव्या से दो बार माफ़ी नहीं मांगी होती इसलिए उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ जितना अधिक वह रोम जेचेन से जो करवाया उसके लिए दोषी महसूस करता था उतना ही अधिक वह काव्या से नफ़रत करता था सीनियर रोम आपको मुझसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है ये तुम्हारी भूल नहीं है ठीक है हमने खाना खुम कर लिया है इसलिए हमें अब जाना चाहिए काव्या ने कहा सोंग मियाओगे और बेली जोंगक्सू पर एक नजर डालते हुए उन्हें जाने के लिए कहा फिर वह खड़ी हो गई सोंग मियाओगे और बेली जोंगसु में से किसी ने भी अपना भोजन समाप्त नहीं किया लेकिन यह लगभग पूरा हो चुका था चूंकि काव्या खड़ी हो गई स्वाभाविक रूप से उन्हें उसके साथ निकलना पड़ा वे वे चुआनक सुन को भी नापसंद करते थे और उससे प्रभावित होने के बाद उनकी भूख खत्म हो गई थी इसके बाद वे साथ साथ चले गए जेचिन काव्या को बहुत घमंड है एक बार जब काव्या और उसके दोस्त चले गए तो वे चौनक सुन ने असंतोष के साथ शिकायत की वह जानता था कि रोमजेचिन की काव्या पर अच्छी छाप है इसलिए उसका मानना था कि काव्या को सम्मानित महसूस करना चाहिए ठीक है मैं काव्या से परिचित नहीं हूं यह बहुत सामान्य बात है कि वह मेरे लिए अच्छी है आपको उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था वह सोच सकती है कि अब मुझे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बहुत गर्व है जेचिन ने अप्रसन्नता महसूस करते हुए कहा उसे काव्या का रवैया गलत नहीं लगा इसके बजाय उनका मानना था कि वह अपने रवैये के कारण एक विशेष लड़की थी दरअसल उन्हें वे लड़कियां नापसंद थी जो उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती थी चूंकि रोम जेचेन ने ऐसा कहा वे चुआनक सुन को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है लेकिन उनके लिए अपने शब्दों को वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी युआन शुयान ने उन पर ध्यान केंद्रित किया लेकिन उनकी बातचीत नहीं सुन सका हालांकि रोम जेचेन को इतनी देर तक काव्या से बात करते देखकर उसे उससे ईर्षा होने लगी थी काव्या और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद सॉन्ग मियाओगे ने भी शिकायत की वह लड़का बहुत निर्दयी है रोंग जेचेन के प्रति आपके रवैये का उसे कोई लेना देना नहीं है उसे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था सही है हालांकि रोंग जेचेन हमारे स्कूल की लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय है लेकिन हर लड़की उसकी प्रशंसक नहीं है सॉन्ग मियाओगे ने कहा वह देख सकती थी कि रोंग जेचेन के मन में काव्या के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी और काव्या रोंग जेचेन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी सॉन्ग मियाओगे ने कहा काव्या का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है इसलिए वह दूसरे लड़कों पर खास ध्यान नहीं देगी चाहे वे कितने भी हैंडसम क्यों न हो सही है हालांकि मैंने अभी तक काव्या के बॉयफ्रेंड को नहीं देखा है मेरा मानना है कि वह बहुत उत्कृष्ट होगा बेली जोंगक्सू ने कहा वो दोनों जानते थे कि काव्या का बॉयफ्रेंड एक फौजी है हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एक 25 वर्षीय सैनिक उच्च पद पर आसीन हो सकता है उसे एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए अन्यथा वह काव्या के लायक नहीं था सॉन्ग मियाओगे और बेली जोंगक्सू को लेंग शाउटिंग की तारीफ करते हुए सुनकर काव्या मुस्कुराई। अचानक सॉन्ग मियाओगे ने काव्या से पूछा काव्या तुम हमें अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाती सही चिंता मत करो हमारे पास कोई बुरे विचार नहीं होंगे बेली जोंगक्स्यू ने कहा वह काव्या के बॉयफ्रेंड का रूप देखने के लिए भी उत्सुक थी काव्या को उन्हें लेंग शूटिंग की तस्वीरें दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी और न ही उसे इस बात की चिंता थी कि उनके पास उसे उसे चुराने का कोई बुरा विचार होगा वह जानती थी कि यह बेकार है इसके अलावा भले ही उनके मन में उसके प्रेमी को चुराने का विचार आया हो वह अब उनके साथ दोस्ती नहीं करेगी जैसे ही काव्या कुछ कहने वाली थी उसे अपनी पीठ से लेंग शौक्सी की आवाज सुनाई दी काव्या काव्या रुक गई और पलट गई लेंग शाकसी और एक लड़की उसके पास चले गए हाय शाओक्सी काव्या ने फोन किया हाय सीनियर लेंग सोमियागे और बेली जोबक्स्यू ने कहा आपको देखकर अच्छा लगा लेंग शाउक्सी ने कहा फिर उसने काव्या की ओर देखा काव्या क्या तुम रोंग जेचिन से परिचित हो वह उससे सवाल नहीं कर रही थी और बस उससे एक सवाल पूछ रही थी वहीं लेंग शाक्सी की आंखों में थोड़ी चिंता थी उसे डर था कि काव्या को पता नहीं चलेगा कि रोंग जेचिन रोम परिवार का सदस्य था और उसके उसके साथ घनिष्ठ संबंध थे उसने अभी अभी काव्या को रोम जेचिन के साथ बात करते हुए भी देखा था इसलिए वह काव्या से इसके बारे में पूछना चाहती थी वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे लेकिन केवल सहपाठी के रूप में यदि वे बहुत करीब होते तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता हम परिचित नहीं हैं निश्चिंत रहें मुझे पता है कि वह रोम परिवार का सदस्य है मैं उसके करीब नहीं रहूंगा काव्या स्पष्ट रूप से लेंग शाउक्सी की चिंताओं को जानती थी इसलिए उसने उसे सांत्वना दी यह सुनकर लेंग शाओक्सी को और अधिक आराम महसूस हुआ यह जानकर खुशी हुई ओह क्या आप इस सप्ताहांत खाली है आप और चाची युनियाओ दादाजी को देखने के लिए घर वापस क्यों नहीं जाए वह हमेशा आपके बारे में बात करता है यह सुनकर सौंग मियाओगे हैरान रह गया ऐसा लग रहा था कि काव्या सिर्फ लेंग शाउक्सी को ही नहीं जानती थी बल्कि वह लेंग परिवार को भी जानती थी क्या यह संभव था कि काव्या लेंग परिवार की रिश्तेदार थी अगर मेरे पास समय होगा तो मैं करूंगी काव्या ने कहा बहुत बढ़िया तो फिर मैं आपका और अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा ओ अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है तो उसे वापस भुगतान करने में संकोच न करें आपको दादाजी का समर्थन प्राप्त है लेंग शाउक्सी ने कहा युआन शुयान और क्वहंजियाओं ने काव्या के साथ जो किया था उसके कारण लेंग शाउक्सी को चिंता थी कि काव्या को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नुकसान हो सकता है इसलिए उसने काव्या को याद दिलाया कि उसे लेंग परिवार का समर्थन प्राप्त है मुझे पता है काव्या ने गर्म महसूस करते हुए कहा उसके बाद लेंग शाओक्सी अपने दोस्तों के साथ चली गई एक बार जब लेंग तो मियाओगे ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उसने मानने से इनकार कर दिया कि काव्या का लेंग परिवार से कोई रिश्ता नहीं था काव्या ने कहा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम किसी को नहीं बता सकते चूंकि उन्होंने इसके बारे में पूछा था इसलिए उसे अब इसे गुप्त नहीं रखना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोंग परिवार लेंग परिवार के गुट में था जबकि बेली जोबक्सु कोई नश्वर नहीं था इसलिए अगर उन्हें यह पता चला तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी बेशक हम किसी को नहीं बताएंगे सोंग मियाओगे और बेली जोम्बकसु ने एक ही समय में वादा किया था हालांकि बेली जोंगसू ने लेंग परिवार के बारे में नहीं सुना था लेकिन वह इसे गुप्त रखेगी क्योंकि काव्या ने उन्हें किसी और को न बताने के लिए कहा था भले ही बेली जोंगसू लेंग परिवार को जानती हो लेकिन वह नश्वर लोगों की तरह आश्चर्यचकित नहीं होगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नश्वर संसार में कोई परिवार कितना शक्तिशाली था खेती की दुनिया में इसकी तुलना मुश्किल से ही की जा सकती थी तुम्हें लेंग शूटिंग के बारे में पता होना चाहिए है ना काव्या ने सोंग मियाओगे से पूछा बेशक वह इतिहास में सबसे कम उम्र का मेजर जनरल महान उपलब्धियां है सोंग मियाओगे ने कहा क्योंकि वह केवल लेंग शाउटिंग की महान उपलब्धियों के बारे में सोचती थी जिससे वह सम्मानित महसूस करती थी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि काव्या ने उससे यह सवाल पूछा था क्योंकि काव्या का लेंग शाउटिंग के साथ एक निश्चित रिश्ता था वह मेरा मंगेतर है काव्या ने कहा क्या यह सुनकर सौंग मियाओगे ने सदमे में अपनी आंखें गोल कर ली और जोर से चिल्लाया जिसने उनके आसपास के लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया सौंग मियाओगे को एहसास हुआ कि वह अपने शिष्टाचार भूल गई है इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया हालांकि उसे अपने शब्द वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी सौभाग्य से अन्य लोगों ने कोई विशेष स्थिति न देख अपनी नजरें हटा ली बेली जोंगसू भी आश्चर्यचकित थी वह न तो लेंग परिवार को जानती थी न ही लेंग शाउटिंग को लेकिन वह मेजर जनरल पद से अवगत थी चूंकि वह आदमी काव्या का मंगेतर था इसलिए वह बूढ़ा नहीं हो सकता था यह बिल्कुल अविश्वसनीय था कि वह इतनी कम उम्र में मेजर जनरल जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सौंग मियाओगे ने बड़े उत्साह के साथ काव्या से पूछा काव्या क्या मैंने सही सुना आप लेंग शाउटिंग की मंगेतर हैं यह जाना बहुत रोमांचक था कि जो लड़की उसकी आदर्श थी वह वास्तव में उसकी दूसरी आदर्श की मंगेतर थी हालांकि सौंग मियाओगे ने पहले कभी लेंग शाउटिंग को नहीं देखा था उसने उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ सुना था इसलिए वह लेंग शाउटिंग की बहुत प्रशंसा करती थी आपने सही सुना हमने इस साल सगाई करने की योजना बनाई थी लेकिन मेरे दादाजी के एक पुराने दोस्त ने हमें रोक दिया वह ज्वानक्सु के बारे में कुछ जानता है और उसने हमारी जन्मतिथि और कुंडली के आठ अक्षर जांचने में हमारी मदद की इस साल कोई भव्य आयोजन करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए हमें अगले साल तक इंतजार करना होगा काव्या ने कहा यशु मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप लेंग शाउटिंग की मंगेतर हैं यह बहुत अविश्वसनीय है खैर मुझे लगता है कि आप और लेंग शाउटिंग एक महान जोड़ी है क्योंकि आप दोनों बहुत उत्कृष्ट हैं सॉन्ग मियाओगे ने उत्साह से कहा यह महसूस करते हुए कि यह काफी अविश्वसनीय था सॉन्ग मियाओगे की नज़र में जब तक प्यार था दो परिवारों की सामाजिक स्थिति के बीच का अंतर कोई समस्या नहीं होगी उसने नहीं सोचा था कि काव्या अभी लेंग शूटिंग के लायक नहीं थी इसके बजाय उसका मानना था कि वे एक आदर्श जोड़े थे यदि अन्य लोगों को पता होता तो उनके पास एक अलग विचार हो सकता है अधिकांश लोगों की नज़र में काव्या अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति को देखते हुए लेंग शाउटिंग के लायक नहीं थी चाहे वह व्यवसाय में कितनी भी अमीर या कितनी भी सफल क्यों न हो वह केवल एक व्यवसायी महिला थी प्राचीन काल से लेकर आज तक अधिकारी हमेशा व्यापारियों से श्रेष्ठ रहे हैं नतीजा यह हुआ कि काव्या चाहे कितनी भी अमीर क्यों न हो वह उन ताकतवर लोगों से कमतर थी दरअसल अगर दूसरों को पता चला कि काव्या भी सिटी बी के टैन परिवार की पोती है तो वे अपनी राय बदल देंगे क्योंकि टैन परिवार व्यवसाय और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता था सौंग मियाओगे की प्रतिक्रिया से काव्या को आश्चर्य हुआ लेकिन उसने उसे तुरंत रोक दिया ठीक है हमें यह विषय छोड़ देना चाहिए मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग सुने ओ ठीक है मुझे अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए सौंग मियाओगे ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया आखिरकार उनके आसपास बहुत सारे लोग थे इसलिए अगर वे जारी रखते तो वे उनकी बातचीत सुन सकते थे दो दिनों के बाद के लिली के कारण चू पेहान को अभी भी दंडित नहीं किया गया था के परिवार को मुसीबत में घसीटे जाने का थोड़ा डर था के लिली इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और काफी दुखी महसूस कर रही थी लेकिन उसके पिता ने उसे चू पेहान के साथ खिलवाड़ न करने के लिए कहा इसलिए उसे इसे सहन करना पड़ा हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के आधिकारिक विबो पर एक खबर जारी की गई जिसमें कहा गया है कि फू फूयोंगलियांग के परिवार के वध का मामला सुलझा लिया गया है और हत्यारों को मौत की सजा दी जाएगी खबर सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैल गई सभी ने इस पर खुशी जताई और हत्यारों को कसम खाई हालांकि वीबो पर पोस्ट में कुल्लिनन का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया जाहिर है पुलिस ने उसे बचाने का फैसला किया जहां तक छह हत्यारों की प्रेरणा का सवाल है हाईचेंग जिले की पुलिस ने बताया कि वे पैसे चाहते थे अगर काव्या के पास सबूत नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती हालांकि चूंकि उसके पास पहले से ही सबूत थे उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा आखिरकार फू योंगलियांग निर्दोष था हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा वीबो पर समाचार जारी करने के तुरंत बाद ट्रूथ ओनली नामक एक अन्य बड़े वीबो प्रभावशाली व्यक्ति ने जिसके पांच लाख अनुयायी थे दो पोस्ट भेजे यह वीबो अकाउंट के द्वारा काव्या के आदेश पर बनाया गया था यह नया था इसलिए इसके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे केवल सत्य जहां तक फू योंग्लियांग के पारिवारिक नरसंहार के मामले के नतीजे की बात है हाईचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो इस त्रासदी के पीछे के मास्टर के सबूत छिपा रहा है मास्टर का पर्दाफाश क्यों नहीं क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर एक प्रभावशाली व्यक्ति है क्या आपको न्याय की भावना से कानून के अनुसार मामलों का निपटारा नहीं करना चाहिए एट द रेट हाइचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो कैपिटल पब्लिक सिक्योरिटी इसने राजधानी में कई सार्वजनिक संस्थानों और मीडिया का एट द रेट उल्लेख किया है इसके नीचे हाईचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अभी भेजा गया पोस्ट था कुछ मिनट बाद दूसरी पोस्ट भेजी गई वास्तव में दूसरे को भेजे जाने से पहले पहले वाले ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का बहुत ध्यान आकर्षित किया बहुत से लोग हत्यारे पकड़े जाने के नतीजे पर खुशी मना रहे थे लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह पूरा सच नहीं हो सकता है हालांकि चुथ ने प्रसिद्धि पाने के लिए केवल प्रचार स्टंट पर भरोसा किया इसने उस सच्चाई को कहने का साहस किया जिसके बारे में अन्य लोगों में बात करने का साहस नहीं था इसलिए कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इसके पोस्ट पर विश्वास करना चुना वे मानने लगे कि परिवार के कतलेआम के पीछे कोई मास्टरमाइंड था उसके बाद वे सत्य से ही पूछते रहे कि मास्टरमाइंड कौन था साथ ही उन्होंने हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो से भी सवाल किया कि क्या उसका इरादा पर्दे के पीछे के असली अपराधी को बचाने का था कई इंटरनेट उपयोगकर्ता सरकार और मीडिया के आधिकारिक वीबो अकाउंट भी एट उल्लेखित करते हैं दूसरा वीबो पोस्ट जल्द ही भेजा गया केवल सत्य फू योंगलियाम के पारिवारिक वध के मामले के परिणाम के संबंध में आइए एक रिकॉर्डिंग सुनें। यह एट द रेट द हाइचिंग डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को दिया गया सबूत है हालांकि इसने पर्दे के पीछे के लोगों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की एट द रेट द कैपिटल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो द कैपिटल यह राजधानी में कानूनी प्रणाली और मीडिया के सभी आधिकारिक विबो खातों पर भी एट द रेट उल्लेखित है काव्या द्वारा छह संदिग्धों से पूछताछ का वीडियो दूसरे पोस्ट के साथ संलग्न था एक बार जब लोगों को पता चला कि फू योंग्लियांग के परिवार के कतलेआम के पीछे को ही मास्टरमाइंड था और उसने नी एजिंग की मौत का कारण भी बनाया था तो हर इंटरनेट उपयोगकर्ता ने हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की आलोचना करना शुरू कर दिया कि उसने क्यों लिनन की रक्षा क्यों की और पूछा कि क्या उसने कु लिनन को रिश्वत दी थी कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने फू योंगलियांग के पारिवारिक वध और नी एजिंग की दुखद मौत के लिए अपने आधिकारिक वीबो अकाउंट के तहत क्यों संगठन पर हमला करना शुरू कर दिया खबर मिलते ही कानूनी प्रणाली और मीडिया के सभी प्रमुख आधिकारिक विबो अकाउंट भी जांच में शामिल हो गए क्यों संगठन के अध्यक्ष कार्यालय में क्यों लिनन फाइलें पड़ रहे थे उनके सचिव ने इंटरनेट पर यह खबर उनके साथ साझा की जो आश्चर्यजनक नहीं थी लेकिन क्यों लिनन यह जानकर अभी भी अप्रसन्न थे उसने मूल रूप से उस महिला को ढूंढने और पैसे से उसका मुंह बंद करने की योजना बनाई उसे उम्मीद थी कि महिला वीडियो नहीं भेजेगी लेकिन वह निगरानी कैमरे में केवल टोपी और मास्क के साथ काले रंग की एक महिला को देख सका वह उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख सका इसलिए उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ ढूंढे दरअसल वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि पुलिस द्वारा आधे साल तक पता लगाने में विफल रहने के बाद महिला मामले की सच्चाई क्यों जान पाई जरूर कुछ गड़बड़ है और उसे पता नहीं सटीक रूप से क्योंकि छह लोगों ने बिना किसी को पता चले अच्छा काम किया था क्यों लिनन को चाहिए था कि वे उसके लिए बुरे काम करना जारी रखें अन्यथा यदि उनका गंदा रहस्य उजागर हो जाता तो वह उन्हें बहुत पहले ही विदेश निकाल चुके होते वैसे भी चूंकि महिला के पास सबूत थे तो उसे सच तो पता ही होगा अध्यक्ष महोदय अब हमें क्या करना चाहिए उसके सचिव ने चिंतित होकर पूछा बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्यों लिनन का इस मामले से कोई लेना देना है यहां तक कि उनके परिवार और सचिव को भी नहीं पता था क्योंकि यह अच्छी बात नहीं थी जितने अधिक लोग इसके प्रति जागरूक होंगे यह उतना ही अधिक खतरनाक होगा अत समाचार पढ़कर उनका सचिव बहुत डर गया उसने अवचेतन रूप से यह विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसका बॉस ऐसा कुछ करेगा हालांकि सचिव को व्यवसाय में फू योंगलियांग के प्रति क्यू लिनन की नाराजगी के बारे में भी पता था इसलिए यह संभव था कि ऐसा हो सकता था वैसे भी क्यू लिनन के घटिया चरित्र को देखते हुए वह ऐसा कुछ कर सकता था हालांकि चाहे कुछ भी हो सचिव ने क्यू लिनन से सच्चाई के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की और क्यू लिनन ने भी इसे स्वीकार नहीं किया इस पर प्रतिक्रिया मत दो यह बदनामी है और पुलिस इसे संभाल लेगी क्यों लिनन ने झुंझलाहट में कहा जैसे कि वह निर्दोष था वैसे भी छह हत्यारों ने पहले ही उनके साथ अपने रिश्ते से इनकार कर दिया था इसलिए हाईचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अपना कबूलनामा जारी करने के बाद वह सुरक्षित रहेगा जरूर बदनाम करने वाले ने कहा दरअसल उन्हें शक था कि कहीं ये सिर्फ बदनामी तो नहीं है क्यूयूआईफी भी खबर पढ़कर हैरान रह गए वह जानता था कि छह लोग उसके पिता के लिए बुरे काम कर रहे थे लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पिता ने फू योंगलियांग के पारिवारिक नरसंहार और नी एजिंग की मौत में भूमिका निभाई थी वह यह मानने से झिझक रहा था कि इसका उसके पिता से कुछ लेना देना है लेकिन अगर यह सच नहीं था तो यह खबर अचानक क्यों सामने आई क्यूयू या ने तुरंत अपने पिता को फोन किया और इस बारे में बात की क्यू लिनन ने निस्संदेह इससे इनकार किया और यह कहने पर जोर दिया कि वह निर्दोष है इसलिए क्यूयू या ने क्यूयू लिनन पर विश्वास करना चुना कुछ ही देर में क्यू हंजियाओं ने भी यह खबर सुनी क्यों हंजियाओं युआन शुयान और जी क्विंकिंग कैंटीन में भोजन कर रहे थे और अचानक उन्होंने अन्य छात्रों को फू योंगलियांग के पारिवारिक वध के बारे में बात करते हुए सुना शुरुआत में वाजियाओं ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जब उसने सुना कि मास्टरमाइंड उसका पिता हो सकता है तो वह पूरी तरह से चौंक गई उसने सदमे से अपनी आंखें गोल कर ली और इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया इसके अलावा उसके पिता ने नी एजिंग के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी जिसके कारण नी एजिंग की मृत्यु हो गई उसकी नज़र में उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा इसलिए खबर सुनने के बाद क्यों हंजियाओं ने खुद पर नियंत्रण खो दिया और उन छात्रों से चिल्लाया चुप रहो तुम सब चुप रहो मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे वास्तव में अन्य छात्रों ने अभी वहांजियाओं पर ध्यान नहीं दिया था और वे नहीं जानते थे कि खुलिनन उसके पिता थे लेकिन उसके चिल्लाने के बाद वे सभी उसकी ओर देखने लगे भले ही क्वहांजियाओं ने कहा कि कुलिनन तभी ऐसा कुछ नहीं करेगा किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया या चुप नहीं रहा इसके बजाय उन्होंने उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया उनकी चर्चाएं सुनकर युआन शुयान और जी क्विंकिंग अप्रसन्न हो गए और जब हर कोई उन्हें घूर रहा था तो वे गायब हो जाना चाहते थे हालांकि अन्य छात्र क्यों हंजियाओं को देख रहे थे आखिरकार वे उसके साथ बैठे थे इसलिए उन्हें भी ध्यान केंद्रित करने में असजता महसूस हुई दरअसल युआन शुयान और जी क्विंकिंग की नजर में यह चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि उच्च समाज में यह असामान्य नहीं था केवल वे ही जो भाग्यशाली या शक्तिशाली थे अपने गंदे रहस्यों को हमेशा के लिए छुपा सकते थे जो लोग बदकिस्मत थे वे शायद इसे छुपा नहीं पाएंगे असंभव क्यों क्या तुम्हारे पिता तुम्हें अपना सब कुछ बताएंगे सही है यह बहुत क्रूर है उसके पिता ने एक पूरे निर्दोष परिवार को मार डाला और नी एजिंग के साथ बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया उसके पिता एक जानवर है और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए सत्ताधारी लोगों के पास बहुत सारे गंदे रहस्य होते हैं क्यों लिनन को गोली मार दी जानी चाहिए क्यों लिनन ने जो किया है उसे देखते हुए उसका परिवार भी दुष्ट होगा क्यों हंजियाओ खुद एक बदमाश है मैंने सुना है कि उसने एक दिन एक नए छात्र को परेशान किया उसने यह कहकर नए व्यक्ति की निंदा की कि नए व्यक्ति ने सिपाही का ध्यान रखते हुए कदम बढ़ाया उसने यह भी बदनाम किया कि नवागंतुक का प्रशिक्षक के साथ संबंध है हालांकि वह उस दिन नए व्यक्ति को चोट पहुंचाने में असफल रही लेकिन कौन जानता है कि क्या उसने गुप्त रूप से नए व्यक्ति को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की है अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है वह निश्चित रूप से है कितना बुरा परिवार है उन्हें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए उन्हें उनके भयानक व्यवहार के लिए दंडित किया जाना चाहिए मुझे लगता है कि यह जल्द ही होगा क्योंकि उनके गंदे रहस्य उजागर हो गए हैं बंद करना अब तुम सब चुप हो जाओ क्यों हंजियाओं जोर जोर से चिल्लाते हुए पागल हो गया वह अब उनकी चर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जियाओ जियाओ, चलो अब चलें। युआन शुयान को कैंटीन में अन्य छात्रों द्वारा देखे जाने से नफरत थी नहीं वे मेरे पिता की बदनामी कर रहे हैं मैं उनके साथ बहस करूंगा क्यों हंजियाओं ने कहा उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह शर्मनाक होगा या नहीं उसने केवल उन्हें उस बारे में बात करने से रोकने की कोशिश की उसे केवल यही लगा कि उसके पिता तब तक बुरे नहीं होंगे जब तक वह उन्हें इस समय इस बारे में बात करने से रोक सकती है क्यों हंजियाओं का सामना करते हुए जो अपना विवेक खो रही थी युआन शुयान क्रोधित हो गई और ठंडे स्वर में कहा यदि आप नहीं जाते हैं तो मैं पहले जाऊंगी उसके बाद युआन शुयान सीधे खड़े हुए और चले गए हालांकि वह वह हंजियाओं को अपना दोस्त मानती थी लेकिन उसमें कोई ईमानदारी नहीं थी जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए उसे उसे बचना पड़ा जी क्विंकिंग का भी यही विचार था इसलिए वह युआन शुयान के पीछे पीछे चली गई युआन शुयान जी क्विंकिंग क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो जब वे मेरे पिता के बारे में बुरा भला कह रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं उन्हें बाहर निकलते देख हंजियाओं ने गुस्से में उन पर उसे अकेला छोड़ने का आरोप लगाया क्यों हंजियाओ मूर्ख मत बनो आप अभी उन्हें उस बारे में बात करने से नहीं रोक सकते यदि आप वास्तव में हमें अपना मित्र मानते हैं तो हमें यहां अपने साथ शर्मिंदा न करें युआन शुयान ने ठंडे स्वर में कहा दरअसल वह स्वार्थी हो रही थी और छोड़ना चाहती थी लेकिन उसने इसके लिए कुहांजियाओं को दोषी ठहराया वैसे भी उन दोनों में अपनी गलतियों के लिए दूसरे लोगों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति थी ज्याओ ज्याओं तुम्हें अब उनसे दूर रहना चाहिए जाओ अपने पिता से इसके बारे में पूछो जी क्विंकिंग ने कहा वह क्यों के कारण सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने से भी नाराज थी कुहांजियाओं ने भौहें चढ़ा दी कुछ देर सोचने के बाद उसे युआन शुयान और जी क्विंकिंग से सहमत होना पड़ा इसलिए उसने अन्य छात्रों को उनके साथ जाने से पहले घूर कर देखा काव्या और उसकी सहेलियों ने सब कुछ देखा क्योंकि यह काव्या द्वारा किया गया था काव्या को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन सॉन्ग मियाओगे को हंजियाओं के पिता के बुरे व्यवहार से पूरी तरह से हैरान था काव्या क्या तुम्हें लगता है कि यह असली है सौंग मियाओगे ने काव्या से पूछा हालांकि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन जब से यह बात सामने आई यह आधा सच था काव्या ने कहा आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसने सोम म्याओगे को सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि यह वास्तविक था लेकिन उसके शब्दों से उसकी राय पता चली यह बहुत क्रूर है सोम म्याओगे ने कहा वह जानती थी कि यह एक क्रूर दुनिया थी और यह पहली बार नहीं था कि उसने परिवार में कतलेआम और बलात्कार के बाद किसी की हत्या के बारे में सुना था लेकिन इस बार यह किसी ऐसे व्यक्ति के पिता द्वारा किया गया था जिसे वह जानती थी उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था ऐसा कुछ हाल ही में खेती की दुनिया में नहीं हुआ था इसलिए बेली जोंगसियों को भी भयावह खबर सुनकर असजता महसूस हुई रास्ते में कुहांजियाओं की अन्य छात्रों द्वारा आलोचना की गई वह गुस्से में थी लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ा एक बार जब कुहंजियाओं ने कैंटीन छोड़ दी तो उसने खुद को छात्रावास के कमरे में छिपा लिया और कुलिनन को फोन करके फू योंग्लियांग और नी एजिंग के बारे में पूछा कुलिनन ने तुरंत इसका खंडन किया इसलिए कुहांजियाओं ने इस पर विश्वास किया उसके बाद वह इंटरनेट पर कुल्लिनन का बचाव करती रही और उन पर हमला करने वालों को कोसती रही दुर्भाग्य से केवल कुछ ही लोगों ने कुल्लिनन पर विश्वास करना चुना इसलिए बहुत सारे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने के बाद कुहंजियाओं ने जल्द ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया इसके बाद लोगों को उसकी पहचान का पता चला यह जानते हुए कि की को लिनन की बेटी थी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने उस पर और भी अधिक हमला किया क्यों हंजियाओं इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना फोन तोड़ दिया वह उन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के खिलाफ बहस नहीं जीत सकी इसलिए वह अपना गुस्सा केवल छात्रावास के कमरे में ही निकाल सकती थी उसने न सिर्फ अपना फोन तोड़ दिया बल्कि अपनी रजाई भी फेंक दी उसने छात्रावास के कमरे में जो कुछ भी देख सकती थी उसे लगभग तोड़ डाला अन्य छात्रावास के कमरों में रहने वाले अन्य छात्रों ने उस छात्रावास के कमरे से आवाजें सुनी जहां क्यों हांजियाओं रहता था इसलिए उन्होंने छात्रावास के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी छात्रावास के कर्मचारियों के आने के बाद क्यों हंजियाओं ने रुकने से इनकार कर दिया और बाद में छात्रावास के कर्मचारियों के साथ बहस की अंत में युआन शुयान आए और को हंजियाओं शांत हो गए हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के नेता अपने पोस्ट पर वेबो पर हुई बहस से आश्चर्यचकित नहीं थे और उन्हें पहले से ही इससे निपटने का विचार था इसलिए वे बिल्कुल भी घबराए नहीं जैसे ही हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने अपने पर्यवेक्षक को यह समझाया उसने अपने आधिकारिक वेबो अकाउंट पर एक और घोषणा जारी की हाईचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो मास्टरमाइंड की रक्षा के बारे में ट्रूथ ने हमारे बारे में जो कहा है हमें लगता है कि उसे समझाना जरूरी है कृपया यह वीडियो देखें एट द रेट दब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो वीडियो में पूछताछ कक्ष में छह संदिग्धों से पूछताछ की प्रक्रिया को दिखाया गया है उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कोई मास्टरमाइंड नहीं है क्यों लिनन का उल्लेख करने का कारण यह था कि उन्हें महिला द्वारा धमकी दी गई थी एक बार वीडियो जारी होने के बाद जनता की राय की दिशा बदल गई और अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने क्यू लिनन का बचाव करना शुरू कर दिया बिल्कुल नहीं उन्हें धमकी दी गई उस मामले में क्यू लिनन निर्दोष हो सकता है यह संभव है शायद क्यूयू संगठन के दुश्मनों ने जानबूझकर कर क्यूयू लिनन को बदनाम किया यह सकल है उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इतनी गंदी चाल चली है हालांकि बहुत से लोगों ने केवल इसलिए सत्य की आलोचना नहीं की आखिरकार छह संदिग्धों ने वास्तव में वीडियो में क्वलिनन का उल्लेख किया था इसलिए कोई नहीं जान सका कि क्विलिननन निर्दोष था या नहीं अधिकांश लोगों को अभी भी संदेह था वहीं कुछ इंटरनेट यूजर्स ने छह अपराधियों के कबूलनामे पर सवाल उठाया मुझे लगता है कि ट्रूथ ओनली द्वारा जारी किया गया वीडियो सच बताता है इसलिए छह संदिग्धों ने पूछताछ के दौरान क्यू लिनन के साथ अपने संबंधों से इनकार किया आखिरकार क्यू संगठन एक बहुत प्रभावशाली व्यावसायिक समूह है इसे सरकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए सही है अगर मास्टर वास्तव में क्यों लिनन है तो उसके पास छह संदिग्धों जैसे उनके परिवारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ होना चाहिए इसलिए क्यों लिनन उन्हें अपराध में अपनी भूमिका से इनकार करने की धमकी दे सकता था यदि वे उसे धोखा देने का साहस करते हैं तो उनके परिवार खतरे में पड़ सकते हैं चूंकि संदिग्धों ने वह तारीख बताई जब भी एजिंग को विला में ले जाया गया था तो पुलिस उस दिन के निगरानी कैमरों की जाँच क्यों नहीं कर सकती मुझे लगता है की सच्चाई का पता लगाना आसान होना चाहिए मुझे यह मत बताना कि उस दिन निगरानी कैमरे टूट गए थे यदि वे ठीक उसी दिन टूट गए थे तो वो अवश्य ही कुछ छिपा रहा होगा जीसस यह एक शानदार विचार है ठीक है मुझे लगता है कि यह विचार इतना शानदार नहीं है लेकिन यह सबसे बुनियादी विश्लेषण है अपराधी सोच सकते हैं कि वे बहुत चतुर थे और आसानी से इसे हमेशा के लिए गुप्त रख सकते थे ठीक है अगर क्यों लिनन ने वास्तव में ऐसा किया तो वह हमेशा के लिए सच्चाई को छिपा नहीं सकता उस स्थिति में अन्य अपराधी भी ऐसा ही कर सकते हैं हालांकि हमें ठोस सबूत चाहिए भले ही हम सभी जानते हैं कि यह कुन है अगर निगरानी कैमरे टूट गए तो उसे पकड़ा नहीं जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा यह सत्ता की बात होगी यदि वह एक सामान्य नागरिक है तो उसे जल्द ही वर्षों की जेल की सजा हो सकती है हालांकि क्यूँ लिनन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह प्रभावित हो सकते हैं उन्होंने इंटरनेट पर समाचारों पर विशेष ध्यान दिया उन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का विश्लेषण देखकर वह डर गया और पागल हो गया जिस दिन छह संदिग्धों को पकड़ा गया था उस दिन उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर विला के चारों ओर निगरानी कैमरों को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था की थी ताकि पुलिस जनमत के दबाव में उनकी जांच करने जा सके भले ही उसके हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में संबंध हो कैपिटल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए किसी को भेज सकता है जिससे निपटना उसके लिए मुश्किल होगा बिल्कुल इसलिए क्योंकि वह चिंतित था कि यदि निगरानी कैमरे केवल उस दिन ही तोड़े गए तो इससे संदेह पैदा हो सकता है उसने किसी को उस स्थान के आसपास पूरे सप्ताह के लिए निगरानी कैमरों को नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था की जिस दिन उसने अपराध किया वह सप्ताह के मध्य में था वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोगों को उस पर संदेह करने से रोकना कठिन था जब तक यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह दोनों अपराधों के पीछे का मास्टरमाइंड था तब तक वह ठीक रहेगा जब लोगों ने समाचारों पर अधिक ध्यान देना बंद कर दिया तो वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता था सत्य केवल कुछ समय के लिए चुप रहा बाद में इस खबर पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का मानना था कि इसने हार मान ली जबकि कुछ ने सोचा कि यह अगले चरण की तैयारी कर रहा था ट्रूथ ओनली के अधिकांश प्रशंसकों ने इस पर विश्वास करना चुना क्योंकि इसका मतलब यह था कि ट्रूथ ओनली द्वारा वीडियो भेजे जाने के बाद वास्तव में कोई मास्टरमाइंड था उन्हें यह साबित करने के लिए केवल अधिक सबूतों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी कि क्यों लिनन मास्टरमाइंड था जो हाईचिंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को शर्मिंदा करेगा इस घटना के बाद क्षूत ओनली के अनुयायी तेजी से बढ़ने लगे उनमें से सभी प्रशंसक नहीं थे और कुछ ने अधिक ब्रेकिंग न्यूज के लिए इसका अनुसरण किया कैंटीन में काव्या और उसकी सहेलियां एक साथ खाना खाते हुए क्यू लिनन के बारे में समाचार पढ़ रही थी मुझे यह भी लग रहा है कि ट्रूथ ओनली अगले चरण की तैयारी कर रहा है मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि क्यू परिवार इसे कैसे संभालेगा मुझे यह प्रभावशाली व्यक्ति पसंद है मैं अब इसका अनुयायी हूँ सोम मियाओगे ने कहा और विबो पर इसका अनुसरण किया काव्या मुस्कुराई लेकिन बोली कुछ नहीं ट्रूथ ओनली निश्चित रूप से अगले कदम की तैयारी कर रहा था लेकिन उसने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि समाचार पर अधिक ध्यान न दिया जाए क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने क्विलन का पक्ष लेना शुरू कर दिया तो हंजियाओं को बहुत बेहतर महसूस हुआ चूंकि आज उसका मूड खराब था और उसे दूसरे लोगों द्वारा फिर से आलोचना किए जाने का डर था इसलिए वह अपनी कक्षाओं में नहीं गई न तो कोई हंजियाओं और न ही कोफेई ने काव्या के साथ इस खबर को जोड़ा भले ही उन्होंने उन लोगों को काव्या को परेशान करने के लिए काम पर रखा था लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि काव्या में सच्चाई का पता लगाने की क्षमता है क्यों लिनन इस बात से चिंतित थे कि ट्रूथ ओनली आगे क्या कर सकता है क्योंकि वह वास्तव में मास्टर था इसलिए उन्होंने ट्रूथ ओनली के विबो अकाउंट के पीछे वाले व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई अगला कदम है यदि ऐसा होता तो वह ऐसा होने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को भुगतान करता हालांकि वह असफल रहा क्योंकि ट्रूथ ओनली के पीछे वाले व्यक्ति ने उसके संदेशों का उत्तर नहीं दिया वह केवल यह आशा कर सकता था कि ट्रूथ ओनली इसके बारे में और कुछ नहीं करेगा अगले दिन शुक्रवार था लेंग शाउटिंग छुट्टियों के लिए राजधानी वापस आएंगे इसलिए उन्होंने काव्या को बहुत जल्दी बुलाया वे साथ में डिनर करेंगे दोपहर को क्लास खत्म होते ही काव्या स्कूल से चली गई बेली जोंगक्स्यू सेंचुरी सिटी लॉट आए और सौंग मियाओगे अस्पताल गए हालांकि सोंग म्याओगे की जी वेना के खिलाफ लड़ाई की प्रतियोगिता केवल आधे महीने दूर थी लेकिन प्रशिक्षण के अलावा उसे कुछ और भी करना था सप्ताहांत में सोंग म्याओगे को अस्पताल में अपनी मां को देखने और घर पर अपने परिवार से मिलने की जरूरत थी जियांग जियारोंग की तबीयत जल्दी ठीक हो गई और वह कुछ ही दिनों में अस्पताल छोड़ सकती हैं वे सदैव काव्या के आभारी रहते थे क्योंकि जियांग जियारोंग जियांग झोंग्यू की भतीजी थी इसलिए जियांग झोंग्यू के परिवार को भी जियांग जियारोंग के ऑपरेशन और रिकवरी में काव्या के पक्ष के बारे में पता था उसके बाद जियांग झोंग्यू ने काव्या के बारे में बात की जिसने उसके पोते और उसे बचाया था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काव्या लेंग शाउटिंग की प्रेमिका भी थी और लेंग परिवार ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया था इसने सोम परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया उन्हें आश्चर्य हुआ कि काव्या इतनी प्रभावशाली थी हालांकि सोम परिवार ने सोम म्याओगे के साथ खबर साझा नहीं की जबकि सोम म्याओगे ने अपने परिवार को यह नहीं बताया कि वह पहले से ही जानती थी क्योंकि काव्या ने उसे अन्य लोगों को न बताने के लिए कहा था इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में वे सभी इसके बारे में जानते थे क्यूयू लिनन के बारे में खबरों ने अभी भी इंटरनेट पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है वास्तव में पूरे दिन के बाद अधिक से अधिक लोगों ने इसके बारे में जाना और इसके बारे में बात की लगभग 12 बजे क्यूयू संगठन ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि क्यूयू लिनन निर्दोष था और उसने कभी भी किसी को मारने के लिए भुगतान नहीं किया था भले ही क्यों संगठन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की लेकिन जो लोग इस पर विश्वास करते थे वे इस पर विश्वास करेंगे जबकि जिन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार किया वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे दरअसल अगर यह साबित करने के लिए कोई और सबूत नहीं होता कि क्यू लिनन ने अपराध में भूमिका निभाई थी तो यह खबर का अंत हो सकता है कुछ देर चर्चा करने के बाद कोई भी इस ओर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता फिर भी दोपहर दो बजे श्रूत ओनली ने एक और पोस्ट भेजा केवल सत्य क्या आपको लगता है कि मेरे एक दिन चुप रहने के बाद यह अंत है यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है मैं बस यह देखना चाहता हूं कि क्या मास्टर को कोई अपराध बोध है लेकिन ज़ाहिर तौर पर उसे ऐसा नहीं है इसलिए यह सबूत है एट द रेट हाइचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो एट द रेट द कैपिटल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो द कैपिटल कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन संलग्न हाइचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की पांचवी टीम के नेता झो रेन्यू के साथ क्यू लिनन की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग बहुत से लोग जानते थे कि सत्य ही अगला कदम उठाएगा इसलिए वे सभी इस पर विशेष ध्यान दे रहे थे दोबारा कार्रवाई होने पर कई लोग उत्साहित हो गए और वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी अंकल क्यों मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है छह संदिग्ध पकड़े गए और वे आधे साल पहले फू योंगलियांग के परिवार के हत्यारे निकले उन्होंने कहा कि यह आपका आदेश है क्या क्या उन्होंने सब कुछ बता दिया मैंने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें फोन किया था उसने पूछताछ की थी उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और हमारे लिए एक यूएसबी फ्लैश डिस्क छोड़ी वीडियो किसने देखा है मेरी टीम के सदस्य लेकिन मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी है कि वे किसी और को न बताएं हालांकि मुझे डर है कि जिस व्यक्ति ने हमें कॉल किया था उसके पास वीडियो की एक प्रति हो सकती है क्योंकि उसने इसे रिकॉर्ड किया था इसे बहुत लंबे समय तक गुप्त नहीं रखा जा सकता इसलिए मुझे आपको अभी बताना होगा जाओ उनसे पूछताछ करो उन्हें, पूछ उन्हें धमकी दो कि वे यह न बताएं कि मैं मास्टरमाइंड हूं यदि वे ऐसा करने का साहस करेंगे तो उनके साथ उनके परिवार भी मर जाएंगे जहां तक वीडियो की बात है आप उनसे यह कहलवा सकते हैं कि उन्होंने यह उस व्यक्ति की धमकी के तहत कहा था कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सभी इंटरनेट यूजर्स हैरान रह गए हालांकि उन्होंने कुलिनन की आवाज कभी नहीं सुनी थी उन्हें लगा कि वह बातचीत में होगा अन्यथा ट्रूथ ओनली रिकॉर्डिंग जारी नहीं करेगा क्योंकि बदनामी गैरकानूनी थी चूंकि यह जारी किया गया था इसलिए इसका सच होना बहुत संभव था जीसस क्या यह वास्तव में कुलिनन की आवाज़ है क्या यह फिर से क्यूँ संगठन के दुश्मनों द्वारा किया गया था पता नहीं लेकिन यह संभव है हालांकि मैंने कुलिनन की आवाज नहीं सुनी है मुझे लगता है कि उसे बातचीत में होना चाहिए अन्यथा सत्य को ही कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा सही है मैं ट्रूथ ओनली द्वारा जारी किए गए सबूतों पर विश्वास करता हूँ आखिरकार इसने पहले कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है मुझे भी इस पर भरोसा है विनन के वास्तव में व्यवसाय में कई दुश्मन थे और कुछ लोग जो उसे नापसंद करते थे उन्होंने भी इस खबर पर बहुत ध्यान दिया उन्होंने क्यू लिनन के साथ समय बिताया था इसलिए उन्होंने उसकी आवाज आसानी से पहचान ली इसलिए उन्होंने अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दी यह क्यू लिनन की आवाज है मैं उनसे पहले मिल चुका हूं मैं भी मैंने उसे एक से अधिक बार देखा है इसलिए मुझे यकीन है कि यह उसकी आवाज है मैंने जो रेन्यू को पहले देखा है इसलिए इसमें जो रेन्यू की आवाज भी है इस बार क्यू लिनन जो रेन्यू और हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो चिंतित हो गए क्यू लिनन चिंतित थे कि छूत ओनली के पास सबूत थे लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसमें झो रेन्यू के साथ उनकी कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग थी वह समझ नहीं पा रहा था कि वह व्यक्ति इसे पाने में कैसे कामयाब रहा लिनन को अवचेतन रूप से झो रेन्यू पर संदेह हो गया हालांकि झो रेन्यू उसका आदमी था लेकिन उसे यकीन नहीं था कि झो रेन्यू को रिश्वत नहीं दी जाएगी और उसे धोखा नहीं दिया जाएगा इसलिए क्यू लिनन ने तुरंत जो रेन्यू को फोन किया और उससे पूछा कि क्या उसने रिकॉर्डिंग लीक दी है जो रेन्यू भी गूंगा हो गया था फोन पर उनकी बातचीत लीक करना उसके लिए नामुमकिन था उसे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति इसे पाने में कैसे कामयाब हुआ अंकल क्या यह संभव है कि कोई आपके फोन की निगरानी कर रहा हो जो रेन्यू ने कहा वरना उनका कॉल किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि दोनों में से किसी ने उसे लीक नहीं किया क्या क्यू लिनन को आश्चर्य हुआ फिर उसकी भौहें चढ़ गई क्योंकि यह संभव था यदि ऐसा है तो वह अब से झो रेन्यू के साथ फ़ोन पर ज्यादा बात नहीं कर पाएगा कॉल काटने के बाद क्यू लिनन ने झो रेन्यू को एक संदेश भेजा और उसे इसे स्वीकार न करने के लिए कहा संदेश पढ़कर झो रेन्यू ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी पुख्ता सबूतों के चलते उनके लिए इसे नकारना नामुमकिन था जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग उजागर हुई झो रेन्यू को एहसास हुआ कि इस बार वह बर्बाद हो गया था वह भागना चाहता था लेकिन वह जानता था कि वह सफल नहीं होगा दरअसल अगर वह भाग गया तो उसे और भी कड़ी सज़ा मिल सकती है यदि उसने अपने अपराध कबूल कर लिए तो उसे हल्की सज़ा दी जा सकती है हाईचेंग जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो का इरादा क्यू लिनन को आश्रय देने का नहीं था लेकिन उसने इस पर आंखें मूंद ली और जांच रोक दी अब पुख्ता सबूत सामने आ गए उसे जिम्मेदारी लेनी होगी कि उसने जानबूझ कर क्यू लिनन की रक्षा की या नहीं वैसे भी क्योंकि झो रेन्यू ने भी इसमें भूमिका निभाई थी इसलिए उन्हें उससे भी पूछताछ करनी पड़ी ठोस सबूतों का सामना करते हुए जो रेन्यू को अच्छे रवैये के साथ इसे स्वीकार करना पड़ा जो रेन्यू द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया बाद में पुलिस क्यों गिरफ्तार करने गई जल्द ही चूद ओनली ने कई तस्वीरों के साथ एक और पोस्ट भेजा जिसमें संदिग्धों के साथ क्यू लिनन के कॉल और ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाए गए थे वो लिनन की जीआईएफ तस्वीरें उस दिन विला में प्रवेश कर रही थी जब नी एजिंग को छह संदिग्धों द्वारा एक कार में अपहरण कर लिया गया था और ले जाया गया था विला और संदिग्ध उसके शव को फेंकने के लिए कार में विला से बाहर निकल रहे थे स्पष्ट सबूतों के साथ इस खबर ने इंटरनेट पर अधिक सनसनी फैला दी क्या बकवास है अब आगे की जांच की कोई जरूरत नहीं है मास्टरमाइंड माइंड को लेन होना चाहिए जिसने भी सबूत ढूंढा वह अविश्वसनीय है पुलिस आधे साल से बिना कोई उपयोगी जानकारी हासिल किए मामले की जांच कर रही है मुझे लगता है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहने के बजाय कुछ छिपा रही होगी यह सच प्रतीक होता है कि धन और शक्ति वाले लोग एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं मैंने सरकार पर से भरोसा खो दिया है मुझे पता था कि लिनन ही मास्टरमाइंड है क्योंकि ट्रूथ ओनली ने कहा था कि वह मास्टरमाइंड है केवल सत्य ही सत्य बोलने का साहस करता है मैं अब इसका अनुयायी हूं, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि सरकार इस मामले को कानून के मुताबिक संभाल सकती है अन्यथा हम सभी सरकार पर विश्वास खो देंगे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने राजधानी के सभी प्रमुख सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो और अदालतों को एट उल्लेखित रखा यह आशा करते हुए कि वे इस मामले को कानून के अनुसार संभाल सकते हैं फू योंग्लियांग और नी एजिंग के कुछ दोस्तों को वास्तव में उनके मारे जाने के बाद वो पर भी संदेह था लेकिन उनके पास इसके बारे में कुछ करने के लिए सबूत और शक्ति का अभाव था चूंकि अब सबूत सामने आ चुके थे तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए मैं फू योंग्लियांग का दोस्त हूँ उनके परिवार को त्रासदी झेलने के बाद मुझे हमेशा क्यू लिनन पर बहुत संदेह रहा है लेकिन मेरे पास कोई सबूत या समर्थन नहीं था इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा उस व्यक्ति को धन्यवाद जिसने साक्ष्य ढूंढा मुझे आशा है कि क्यू लिनन को कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है एट द रेट द कैपिटल लॉ सिक्योरिटी द कैपिटल पब्लिक मैं नी एजिंग का दोस्त हूँ नी एजिंग ने मुझे बताया कि क्यू लिनन हमेशा उसमें दिलचस्पी दिखाती थी उसने कई बार उसे अपने साथ सोने के लिए धमकी दी थी लेकिन उसने इनकार कर दिया इस वजह से उन्होंने अभिनय के कई मौके गवा दिए उनकी दुखद मृत्यु से एक दिन पहले मैं उनके साथ था तब वह काफी परेशान मूड में थी उसने मुझे बताया कि मी एजिंग ने उसे एक बार फिर परेशान किया अगले दिन मुझे दिल दहला देने वाली खबर मिली कि वह मर गई हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका भगवान का शुक्र है कि अब सबूत सामने आ गए हैं मुझे उम्मीद है कि कानून से उनका बदला लिया जा सकेगा एट द लेट द कैपिटल लॉ सिक्योरिटी द कैपिटल पब्लिक ट्रूथ ओनली द्वारा उजागर किए गए सबूतों को देखकर क्यू लिनन निराशा में थे उसने किसी के लिए निगरानी वीडियो को बर्बाद करने की व्यवस्था की थी लेकिन वह व्यक्ति फिर भी उन्हें प्राप्त करने में कामयाब रहा जाहिर है उस व्यक्ति ने उन्हें बर्बाद करने से पहले ही पा लिया था क्यू लिनन छिपना चाहता था लेकिन कंपनी छोड़ते ही उसे पुलिस ने घेर लिया और उसे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में लाया गया जब अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने क्वलिनन का बचाव किया तो क्वहंजियाओं ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थिति और खराब हो गई परिणाम को देखते हुए क्यूहजियाओं सीधे अपनी कक्षाओं से अनुपस्थित हो गई और घर वापस भाग गई श्रीमती क्यू क्यूलिननन के व्यवहार से क्रोधित थी लेकिन आखिरकार वह उनके पति थे वह उनके परिवार में अग्रणी भूमिका निभा रहा था इसलिए उसने तुरंत मदद के लिए अपने संपर्कों की ओर रुख किया और क्वलिननन की मदद करने की कोशिश की दुर्भाग्य से इस समय कोई भी उसके परिवार की मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि यह बहुत परेशानी भरा था आमतौर पर जब यह सार्वजनिक नहीं होता था तो इससे निपटना आसान होता था लेकिन अब यह काफी मुश्किल हो गया है अंत में श्रीमती ने मदद के लिए युवान परिवार की ओर रुख किया मुख्य रूप से युवा शुयान के पिता की ओर वे केवल युवान शुयान के पिता को जानते थे युवान परिवार के प्रमुख सदस्यों को नहीं हालांकि युवान शुयान के पिता युवान परिवार में बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे इसलिए वह भी मदद नहीं कर सके दरअसल उन्हें डर था कि कहीं उन पर असर न पड़ जाए इसलिए उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया क्यों लिनन के बारे में खबर इंटरनेट और उच्च समाज में एक गर्म विषय बन गई सभी प्रमुख मीडिया ने खबर दी कि क्यों लिनन को अंत गिरफ्तार कर लिया गया और क्यों संगठन के शेयरों के मूल्य में गिरावट आई के को इस खबर के लिए प्रचार मिल रहा था इसलिए काव्या एक तरफ दर्शक बनकर देखती रही दोपहर की कक्षाएं खुम होने पर काव्या स्कूल से चली गई लेंग शाउटिंग ने उसे बताया कि उसने शहर के केंद्र में शेंशी होटल में एक निजी कमरा बुक किया है इसलिए वे एक साथ भोजन करेंगे काव्या की उस दोपहर केवल दो कक्षाएं थी इसलिए वह शाम चार बजे स्कूल से चली गई सड़क पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं था इसलिए वह शाम करीब पाँच बजे शेंशी होटल पहुंची काव्या के आने से पहले लेंग शूटिंग ने पहले से ही कुछ देर तक उसका इंतजार किया क्योंकि काव्या ने उसे बताया कि आज दोपहर उसकी दो कक्षाएं हैं और वे शाम चार बजे खत्म हो सकती हैं लेंग शाउटिंग को कुछ तैयार करने की जरूरत थी इसलिए वह उसे लेने नहीं आया वेटर काव्या को निजी कमरे में ले जाने के बाद चला गया जो लेंग शाउटिंग का आदेश था इसलिए काव्या ने आते ही दरवाज़ा खुद ही धक्का देकर खोल दिया जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा तो वह अवाक रह गई